आज मैं आपको खिचड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी विदाउट अदरक का रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को कट कर लिया है, टमाटो, आलू, एक मैंने ऑनियन लिया है या दो हरी मिर्च लिया है, और यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चावल लिया है और 100 ग्राम मैंने यहाँ पर दाल दिया है। स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं ऑनियन को डाल रही हूँ, इसको ब्राउन कर लेते हैं। सब्जियों को डाल दूंगी और फिर 1 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर ऐड करूंगी। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सब्जी मसाला, हरी मिर्च मैंने ऐड किया है तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी, 1 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक, मिक्सी ऑयल अच्छे से 5 मिनट तक फ्राई कर लें। उसके बाद वो ये चावल को मैंने भिगो के रखा था, इसमें डालूंगी चावल और दाल को, अच्छे से 5 मिनट तक फ्राई कर लें फुल फ्लेम में। एक मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका जो स्वाद आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। इसमें 3 ग्लास पानी ऐड करूंगी। ये दूसरा ग्लास, ये तीसरा ग्लास। अब लीड को ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे और 5 सीटी मार लेंगे। तेज पत्ती को ले रही हूँ और इसमें डाल दूंगी। जब तक मेरी खिचड़ी बन रही है तब तक तड़का के लिए मैंने एक प्याज को काट के और 2 हरी मिर्च को इस तरह से ब्राउन कर लूंगी। ये पुल्ली बन के रेडी हो चुकी है। इसको अच्छे से पक गई है मेरी खिचड़ी। अब इसमें मैं तड़के को डालूंगी। देखा नहीं बन रहा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी खिचड़ी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी खिचड़ी बनी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़।